दादा दादा मैं अभी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बहुत परेशान करते हो अमल। हम अखबार वाले होते ही परेशान करने के लिए हैं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक यू। मेरा कसूर? तुम तो एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट थे ना? हाँ? और एक अच्छे स्टूडेंट। तो फिर साइंस को छोड़कर ये अखबार के कॉरेस्पॉन्डेंट, साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने की क्या जरूरत थी? डज इट मेक एनी सेंस? दादा सभी कोई तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते ना, और जो लोग साइंटिस्ट होते हैं वो किसी और मिट्टी के होते हैं। मैं उस मिट्टी का नहीं बना हूँ। आई नो माई लिमिटेशंस। इस बात का एहसास कब हुआ? पीएचडी के बाद। तुमने तो पीएचडी किया, मैं तो एक मामूली एमबीबीएस हूँ। दादा आपके जीन्स में, आपके क्रोमोसोम्स में कुछ है जो पीएचडी और डिग्री होल्डर्स के पास नहीं होता है। बेकार की बात है। मैंने जब रियलाइज किया कि मैं एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, तो मैंने सोचा आई लव साइंस, आई कांट लीव साइंस। तो मैंने सोचा कि साइंटिस्ट बने बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इन द सेंस कि आप जैसे लोगों के काम के बारे में गवर्नमेंट को बताना। ये गवर्नमेंट को ये बताना कि इंडिया में भी फंडामेंटल साइंस के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, और अखबार इसके लिए सबसे अच्छा मीडियम। देखो, लोगों के जानने या ना जानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ सेल्फिश मैन। यस आई एम। आई एम बिजी विद माई सेल्फ एंड आई लाइक बींग बिजी विद माई सेल्फ। इंसान की जिंदगी मान लो 70 साल है, 20 साल निकाल लो, 50 साल विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी करने के लिए बहुत कम है। There is always somebody from within who is telling me, so much to do, so little is done. Hurry up. Yeah, very true. आप जरा अपने काम के बारे में बताइए। कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। But it's a long way to go.